एसएल और जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से संरक्षित हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी और फर्जी डिग्री देने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के संरक्षक सुभाष चंद्रा से भी जवाब मांगा है। देहरादून की हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के चांसलर, यूनिवर्सिटी के संरक्षक सुभाष चंद्रा, उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, यूजीसी, जी लर्न लिमिटेड और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को 8 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी ने देश के हजारों छात्रों को बिना मान्यता प्राप्त कोर्स में दाखिला देकर धोखाधड़ी की है। याचिका के मुताबिक यूजीसी से मान्यता नहीं होने के बावजूद बीएससी एनिमेशन के कोर्स में छात्रों को गलत जानकारी देकर दाखिला दिया गया। ये पिटीशन कुछ स्टूडेंट्स ने फाइल करी थी कि भाई हमको इस तरह से चीट किया जा रहा है, सारे कानून और रूल्स का उल्लंघन करके ये लोग एक कमर्शियल पूरा ऑपरेशन चला रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को, स्टेट को, यूजीसी को, सुभाष चंद्रा को, इन सब को नोटिस इशू किए हैं। छात्रों का आरोप है कि नियम के मुताबिक यूनिवर्सिटी दूसरे राज्यों में सेंटर्स या ब्रांचेस नहीं खोल सकती है, लेकिन यूजीसी से बिना अनुमति लिए यूनिवर्सिटी ने देश के 17 राज्यों में अपने सेंटर्स खोल लिए, जिसमें हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि हजारों छात्रों के करियर को बचाने के लिए हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूजीसी रेगुलेशंस में भी ये लिखा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर स्टेट से बाहर कोई सेंटर बनाती है या अपने मेन कैंपस से बाहर कोई सेंटर बनाती है और वहाँ से कुछ डिग्रीज वगैरह इशू करती है तो उसको यूजीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, जिसके पहले चांसलर एसएल और जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को बनाया गया। सुभाष चंद्रा अभी यूनिवर्सिटी के संरक्षक हैं। इससे पहले भी कई बार यूनिवर्सिटी पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लग चुके हैं। यूनिवर्सिटी के खिलाफ वहां के छात्र धरना प्रदर्शन करने से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत तक से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं। गोपाल कृष्ण, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और छात्रों के लगाए गए आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर हमने ईमेल भेजकर हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी और उनके संरक्षक सुभाष चंद्रा से प्रतिक्रिया मांगी है, लेकिन अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हमने पूछा है कि यूनिवर्सिटी ने बिना यूजीसी से अनुमति लिए उत्तराखंड के बाहर 17 राज्यों में सेंटर खोल लिए, क्या यूजीसी से अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा? दूसरा हमारा सवाल यह है कि छात्रों का आरोप है कि उन्हें जो डिग्री दी जा रही है वो फर्जी है, क्योंकि दूसरे राज्यों में कोर्स चलाने के लिए अनुमति नहीं ली गई। तीसरा सवाल हमारा यह है कि छात्रों का आरोप है कि फर्जी डिग्री देकर यूनिवर्सिटी ने देश के सैकड़ों छात्रों का करियर बर्बाद कर दिया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और चौथा सवाल हमारा यह कि यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े के बारे में क्या यूनिवर्सिटी के संरक्षण होने के नाते सुभाष चंद्रा की जिम्मेदारी नहीं बनती है?